जम्मू कश्मीर के लोगों को लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है जनाब। इस इन्फॉर्मेशन को हल्के में मत लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी छोटी सी गलती आपको जो है वो कोर्ट तक जो है वो जाने के लिए मजबूर कर दे। जी हाँ, इस समय की ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है, खासकर जम्मू के लोगों के लिए है कि अब सड़क पर जो है पेशाब करते दिखे तो जनाब आप लोगों के जो है वो खैर नहीं है। यानी कि आपको बताते चले कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आप लोगों को हज़ारों रुपये का जो है वो जुर्माना लगाएगा और कोर्ट तक जो है वो जाने के लिए आपको मजबूर जो है वो करेगा। जम्मू कश्मीर में अब खुले में पेशाब करने वालों की खैर नहीं है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि खुले में पेशाब करने वालों पर हजारों रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और ऐसे में जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर हैं उन्होंने कहा है कि खुले में पेशाब करने की इजाजत जो है वो नहीं होती है, लेकिन इसके लिए जगह जगह जो है वो शौचालय बनाए हुए हैं, लेकिन ऐसे में लोग जो है वो नियमों का उल्लंघन करते हैं और ऐसे में उन पर जो है वो अब कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जिस तरह से आपको बताते चलें कि जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने खुले में पेशाब करने वालों के खिलाफ 5,000 रुपये तक का जुर्माना जो है वो यहाँ पर लगाएगा। और ऐसे में जनाब अगर आप भी खुले में कहीं पर भी शौचालय करते हैं तो आपके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई हो सकती है। 5,000 रुपये तक का जुर्माना जो है वो आपको किया जा सकता है। ऐसे में आपको बताते चलें कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर राहुल यादव जी ने अपने आदेश कर जो है वो ये म्यूनसिपलिटी के हेल्थ विंग और फील्ड स्टाफ को ये हिदायतें दी है कि वो इस आर्डर का जो है वो पूरे तरीके से इस आर्डर को इम्प्लीमेंट कराएं। और उनका ये कहना था कि कहीं पर भी खुले में पेशाब करने की इजाज़त नहीं है और जगह जगह जब बाथरूम बने हुए हैं तो ऐसे में जनाब वहाँ पर वो जाकर जो है वो लोग उसका वहाँ पर जाकर इस्तेमाल करें, उस वहाँ पर जाकर जो भी पेशाब वगैरह करना है वो वहाँ पर करें। लेकिन ऐसे में जो लोग इस आर्डर के खिलाफ वर्जी करेंगे तो उनको मौके पर ही लगभग 5,000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा और जुर्माना नहीं चुकाने पर उसको कोर्ट का चलान जो है वो वहाँ पर उसका काटा जाएगा, जिसके बाद में दोषी को जो है वो अदालत में जाकर वहाँ पर जो है वो जुर्माना भरना होगा। तो ऐसे में जनाब जागरूकता के लिए अलग अलग जगहों पर वहाँ पर पोस्टर भी लगाए जाएंगे। हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर विनोद शर्मा जी की बात करें तो उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर सख्ती करने के लिए जो है वो ये कहें कि इस आर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी इतना ही नहीं बल्कि एक पोस्टर भी जो है वो जारी किया गया है जिसे जगह जगह पर वहाँ पर चिपका दिया जाएगा और ऐसे में जिससे खुले में पेशाब करने वालों को नसीहत देते हुए कार्रवाई को आगे जो है वो बढ़ाया जा सके। गंदगी फैलाने वालों पर जो है वो ये कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और उन्होंने ये कहा है कि खुले में जो भी लोग वहां पर थूकेंगे या फिर पेशाब करेंगे तो उन पर भी जुर्माना जो है वो किया जाता है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि अब ये कहें कि अलग अलग जगहों पर लोगों को जो है वो वहाँ पर म्यूनसिपलिटी जागरूक कर रही है और जम्मू शहर को स्मार्ट बनाए जाने का काम किया जा रहा है। और ऐसे उन्होंने ये कहा है कि लोगों को जो है वो अब जो है वो कहीं ना कहीं इंदौर से जो है वो सीखने की ज़रूरत है ताकि जिस तरह से वहाँ पर साफ सफाई है इस तरह से जम्मू कश्मीर को भी साफ सुथरा बनाना है। लेकिन ऐसे में उसके लिए जनता को आगे आना होगा और जनता को जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का साथ देना होगा। अगर कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी ये कहें कि जनाब थूकता पाएगा या फिर पेशाब करता पाएगा तो उसे जो है वो लगभग 5,000 रुपये तक का जुर्माना जो है वो किया जाएगा और जिसके पास पैसे नहीं होंगे तो जनाब उसका जो है वहाँ पर चलान जो है वो काटा जाएगा जो कि कोर्ट में जाकर जो है वहाँ पर उसे जो है वो फिर भरना पड़ेगा। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के लोगों से ये कहेंगे कि इस समय इस खबर को अगर किसी भी कोने से देख रहे हैं तो इस खबर को ज़रूर शेयर करें और गलती से भी ऐसा काम ना करें कि जिसकी वजह से आप लोगों को हज़ारों रुपये का जुर्माना जो है वहाँ पर भरने पर मजबूर होना पड़े और यदि अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो कोर्ट का चलान भी आपका काटा जाएगा और बाद में आपके लिए मुसीबत जो है बन सकती है। तो आप लोग खबर को ज़रूर शेयर करें और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इस फैसले को लेकर आप लोगों का क्या कुछ कहना है कमेंट्स पर ज़रूर बताएं, क्योंकि राहुल यादव जो कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर हैं उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अब खुले में पेशाब करने वालों की बिल्कुल भी खैर नहीं है और इस तरह से चलते फिरते जो लोग थूकते थे अब उनकी भी खैर नहीं है, उनको भी भारी जुर्माना जो है वो म्यूनसिपलिटी द्वारा किया जाएगा और तमाम जो भी टीमें हैं उनको जो है वो अब मार्केट में फैला दिया गया है और कोई भी अगर ऐसा पाएगा तो उसे जो है वो सख्ती से उसके साथ निपटा जाएगा। क्योंकि राहुल यादव जी की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जनाब इसके लिए किसी भी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब अगर जगह जगह पर वॉशरूम बने हुए हैं, शौचालय बने हुए हैं तो ऐसे में लोग जो है वो कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो खुले में वहाँ पर गंदगी फैलाने का काम करते हैं, जहाँ मन करे वहाँ पर थूक देते हैं, यहाँ मन करे वहाँ पर पेशाब करना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, अगर कोई ऐसा करते पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर से आपको बता दे चलूँ कि जम्मू कश्मीर में अब खुले में पेशाब करने वालों की बिल्कुल भी खैर नहीं है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर राहुल यादव जी ने खुले में पेशाब करने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाए जाने का ऐलान किया है और उन्होंने ये कहा है कि जनाब
इस आर्डर को सख्ती से इंप्लीमेंट किया जाए और अगर इस आर्डर की कोई भी खिलाफवर्जी करते हुए पाया गया तो उसे जो है वो कड़ी कार्रवाई जो है वो उस पर की जाएगी और ये कहें कि काफ़ी ज़्यादा जुर्माना जो है वो उसे किया जा सकता है। लगभग 5,000 पेशाब करने वालों के खिलाफ 5,000 रुपये तक का जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा। और ऐसे में आप सब लोग अपने अपने राय जो है वो इस पर ज़रूर साझा करें कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जो भी ये फैसला लिया गया है ये सही है या फिर गलत है। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।